दो बच्चे, दो लोग हैं, एक छोटा बच्चा और एक बड़ा। बच्चा और बड़ा जो है बिल्कुल सेम अनुपात के हैं, बिल्कुल शक्ल देखने में सेम लगेगी, बट कई बार एक्सटेंड कर देते हैं ना फोटो खींच के, जैसे ऐसे खींच देते ना अपने कंप्यूटर में, वैसा बड़ा। तो जैसे अगर आदमी का शरीर 10 सेंटीमीटर का है ये, तो बच्चे का 10 का है तो आदमी का 20 का होगा। ये उंगली की लंबाई अगर उसकी इतनी है तो बड़े की लंबाई डबल होगी। सब कुछ एवरीथिंग डबल, सेम दिखने में बिल्कुल वैसा ही, शेप बिल्कुल डबल। अब सवाल ये है कि बच्चे को ठंड ज़्यादा लगेगी कि बड़े को ठंड ज़्यादा लगेगी? बड़े को ठंड ज़्यादा लगेगी। सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा। किसी भी चीज़ का अगर आकार डबल कर दें तो सरफेस एरिया कितना हो जाता है? 4 गुना होता है, डबल नहीं होता। इस तरह अगर 3 गुना कर दें तो एरिया कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। 3 ऐसे और 3 ऐसे, 9 गुना हो जाएगा, और 4 गुना करें तो 16 गुना ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आदमी को, बड़े आदमी का सरफेस एरिया बढ़ गया तो ठंड ज़्यादा लगनी चाहिए, निश्चित है। अगर चमड़ी ज़्यादा है बाहर एक्सपोज्ड एरिया, तो निश्चित रूप से ठंड ज़्यादा लगेगी, ऐसा है। और इसके अलावा कुछ सोच सकते हैं अपन? ठंड तो लगी बाहर से, लेकिन हमारा अंदर अपने आप शरीर क्या करता है? गर्मी पैदा करता है। और वो कैसे होती है? वो कैसे होती है? वो किसके द्वारा? कोशिकाओं के द्वारा, हमारे जो सेल्स हैं। और वो कितने होंगे? डबल होंगे। एरिया 4 गुना हो गया, तो वो वॉल्यूम होगा। जोरदार ताली बजा दें एक बार। जो हमारे सेल्स कितने हैं वो एरिया नहीं बताएगा, वो हमारा वॉल्यूम बताएगा। कितनी स्पेस हमने घेरी, ये हमारा जितना वॉल्यूम है उतने ही अनुपात में हमारे सेल्स हैं। और अगर कोई चीज़ डबल होती है तो वॉल्यूम कितना हो जाता है? 8 गुना होता है। कोई चीज़ 3 गुना होती है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 27 गुना। 3 गुना 3 गुना 3। 4 अगर कोई 4 गुना कर दें तो वॉल्यूम 64 गुना हो जाता है। तो इसलिए अगर बच्चे से बड़े में वॉल्यूम 8 गुना हो गया और एरिया 4 गुना हो गया, तो अब किसको ठंड ज़्यादा लगी? बच्चे को, क्योंकि ठंड बड़े को 4 गुना ज़्यादा लगी, लेकिन गर्मी 8 गुना ज़्यादा पैदा कर रहा है। इसीलिए बच्चों को ज़्यादा ढक के रखा जाता है।